जब ये चार्जर्स जलते हैं उसका एक ही एक रीज़न होता है, वो है लूज़ कनेक्शन इन सॉकेट्स। जो सॉकेट्स होते हैं और ये पिन होती है, इसके बीच में कनेक्शन लूज़ होते हैं जिसकी वजह से जल जाता है। अगर लूज़ है उस वक्त तुरंत नहीं जलेगा तो थोड़ा टाइम बाद जल जाएगा स्पार्किंग की वजह से, हीट अप होके। तो इसका एक ही प्रिवेंशन है, वो है टाइट ग्रिपिंग वाला कोई सॉकेट या मल्टीप्लग जिसके अंदर वो स्पार्क ना करे। ये हॉस्पर के अल्ट्रा मल्टीप्लग्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मल्टीप्लग्स जो आज तक आपने लाइफ में यूज़ किया होगा। मैं इतनी बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो हमने ग्रिपिंग यूज़ करी है, जो मैकेनिज्म यूज़ किया है, वन ऑफ द बेस्ट है। ये इसकी बहुत टाइट ग्रिपिंग आती है, सुपर प्रोडक्ट है एकदम। जनरली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ख़राब होते हैं, वो चार्जर वगैरह उनके ख़राब होते हैं, महंगे महंगे चार्जर्स आते हैं, वो स्पार्किंग की वजह से ख़राब होते हैं। वो ख़राब इसलिए होते हैं कि उनका जो मल्टीपल होते हैं वो लूज़ होते हैं, स्पार्क करते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और ओरिजिनल चार्जर्स नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो जाता है। दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। इट इज़ लाइक अ लाइफ इंश्योरेंस फॉर देम। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी जो ग्रिपिंग है वो इतनी टाइट है कि जब आप इसके अंदर प्रोडक्ट लगाते हो तो स्लिप नहीं करता है, वो स्पार्क नहीं करता है। ये देखिए, छोटा सा टेस्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, गिर नहीं रहा है ये। आई एम मूविंग इट वेरी, आई एम गिविंग इट लॉट ऑफ प्रेशर बट इट इज़ नॉट मूविंग एट ऑल। जो प्रोडक्ट है ये, इट इज़ वेरी सुपीरियर। देखो, इट विल नॉट फॉल ऑफ। अगर आपको ये बाय करना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अमेजोन में, और अगर आपको बल्क बाय करना है तो नीचे मैन्युफैक्चरर का नंबर लिखा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके, हमसे कॉन्टैक्ट करके आप कोटेशन लेके बाय कर सकते हैं बल्क के अंदर। बट इट इज़ अ चैलेंज, दिस विल बी द बेस्ट थिंग यू वुड हैव एवर यूज्ड।